बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल ट्यूशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मैप को कबील कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर दें और इसको बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है और फिर सर्च बार में जाने के बाद आपने इधर सिंपली लिख देना है दी टेक फैक्ट। आपने इस तरह नेम लिखकर आपने सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे फिर से आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी। आपने फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखें इस तरह आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन इस तरह ही होगा। इसलिए अगर आप मोबाइल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने सिंपली इधर से आपके पास इधर से रेड सा मेन्यू सा नज़र आएगा। आपने इसको क्लिक करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इधर से आपने मैप को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली इधर सर्च में जाना है और इधर लिख देना है मैप को। आप अकेला मैप को ही लिखेंगे तो आपके पास इधर जब आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे इधर इस तरह का शो हो जाएगी इस मैप को की इमेज। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन हो रही है, थोड़ा सा लोड ले रही है, तो इसके लिए माजरत। तो मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर से ये आ रहा है जस्ट इंटर योर 14 डिजिट रेफरेंस नंबर बिलो टू मैप को ऑनलाइन बिल चेक। आपने अपना रेफरेंस नंबर लिखना है इधर अपना बिल चेक करने के लिए। अगर आपको रेफरेंस नंबर का नहीं पता तो मैं आपको वो बता देता हूँ सिंपली। ये देखें इस तरह का आपके पास मैप को कबील होता है इस तरह का। मैं आपको इसको थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। वैसे आप इस पूरी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मैप को के बिल के मतलब। इसको मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये देखें इस तरह मैंने इमेज ओपन की है इधर, ये आपको इस तरह मैप को कबील आपको नज़र आ रहा होगा, अपना भी और ये वाला भी। वो इधर से ये देखें इधर लिखा होता है रेफरेंस नंबर, ये वाला रेफरेंस नंबर आपने लिखना होता है, ये वाला 1815224 वाला। तो इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। मैं इस इमेज को कर देता हूँ क्लोज और ये मैंने रेफरेंस नंबर वही वाला कॉपी करके रखा हुआ है इधर, इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने इधर टाइप कर देना है सिंपल, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ ऐसे इधर। और इसके बाद आपने चेक बिल के बटन पर क्लिक करना है। मैं चेक बिल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे चेक बिल के बटन पर क्लिक करते हैं देखें इस तरह आपके पास न्यू टैब में आपका बिल ओपन हो जाएगा। तो अब बात आती है कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने सेव करने के लिए प्रिंट बिल के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो सेव एस PDF करके इधर से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो करना चाहते हैं या एक करना चाहते हैं तो आप इधर से सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली सेव के फिर मारे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बिल चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई मुश्किल आ रही हो इस बिल को चेक करने में या अगर आप किसी और टॉपिक पर इसके मतलब चाहते हैं वीडियो तो आपने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।